नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीर और आप देख रहे हैं ग्वालियर फूडी। स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वक्त मैं हूं बनारस में। बनारस में हमें एक स्टॉल देखने को मिली है जहां पर सत्तू, आम्रकरस, पन्ना और भी काफ़ी सारी चीज़ें पिलाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरीके का सेटअप लगाया गया है भैया के स्टॉल के ऊपर, जिसके ऊपर आपको काफ़ी सारा सामान देखने को मिलेगा। सत्तू पिसा हुआ देखने को मिलेगा, मसाले कई तरीके के देखने के लिए मिलेंगे, चटनी देखने को मिलेगी, चटनी के साथ साथ आपको काला नमक और भी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। और बाकी ये किस तरीके से बनाया जाता है, क्या क्या भैया यहाँ पर बेचते हैं, काफ़ी 3-4 आइटम बेचते हैं, तो उसके बारे में भैया से जानकारी लेंगे, पूरी जानकारी लेंगे भैया से, जितनी जानकारी हमें मिल सकती है। और हम भी टेस्ट करके देखेंगे भैया का सत्तू, जो कि पीने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है और शरीर की सेहत के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और गर्मियों में तो मतलब एक तरीके से अमृत समझ लीजिए सत्तू को। आपकी हाइड्रेशन, जितना भी मतलब आपको बॉडी को पानी की ज़रूरत है, सारी की सारी पूरी करवा देगा सत्तू। इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, जितने भी लोग जिम वगैरह जाते होंगे उन्हें अच्छे तरीके से पता होगा कि सत्तू का क्या महत्व है अपने के लिए। तो आइए जानते हैं इसमें क्या क्या डाला जाता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और जानेंगे भैया से इसके बारे में, इसमें क्या क्या डाला जाता है। सबसे पहले चटनी, उसके बाद नमक मसाला के साथ साथ और भी इसमें काफ़ी आइटम डाले जाते हैं। और ये अलग तरीके की चटनी है भैया, दो दो प्रकार की चटनी कैसी हैं? हरा मीठा है। अच्छा, ये वाली भी अलग है? ये वाली भी अलग है। अच्छा, यानी कि 3 प्रकार की चटनी डाली जाती हैं इस सत्तू के पेस्ट में। और आइए जानकारी लेते हैं भैया से। और ये क्या भैया, गरम मसाला? जलजीरा है। जलजीरा है ये, बताते जाइएगा भैया थोड़ा मसालों के बारे में, है ना। और इसके बाद अब भैया दूसरा मसाला डालेंगे, ये कौन सा भैया? ये जीरा है। ये जीरा पिसा हुआ? पिसा हुआ जीरा। अच्छा, ये पिसा हुआ जीरा है, इसका मसाला इसके अंदर डाला जाएगा। और सत्तू के साथ साथ यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें डाली जाती हैं। फिलहाल इसमें नींबू डाला जा रहा है इसका, ताकि आपको लैक्टिक एसिड की कमी भी ना महसूस हो। अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपको पता होगा कि नींबू के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और गर्मियों में इससे बेटर आई थिंक कुछ नहीं मिल सकता आपको। और अभी हम इसको भी टेस्ट करेंगे और जानेंगे इसके बारे में कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी है, कितना ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले इसके अंदर प्याज डाली जाती है, प्याज के बाद इसमें सत्तू डाला जाता है कुछ इस तरीके से, उसके बाद ये सर्व किया जाता है लोगों को बिल्कुल सेम तरीके से जैसा कि इसमें दिखाया गया है। और ये आपका सत्तू का ड्रिंक, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, वो बनके तैयार हो जी। एक गिलास का कितना प्राइस रहता है? 30 रुपये। अच्छा अच्छा, और भैया अपने टाइमिंग क्या रहता है स्टॉल यहाँ पे लगाने का? 10 बजे। सुबह 10 बजे से शाम को कब तक? 7 बजे। सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक, है ना। और भैया सत्तू के सिवा और क्या क्या देते हो? आम का पन्ना है। अच्छा, आम का पन्ना है। नींबू जलजीरा है। नींबू जलजीरा भी है। बेल का शरबत है। काफ़ी, यानी कि 3-4 आइटम भैया बेचते हैं, 3-4 लिक्विड आइटम, जो कि गर्मी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और फिलहाल आप लोग सेटअप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का सेटअप है जहाँ पे गिलास लटक रहे हैं, पुदीना है, नींबू है, मटके रखे हुए हैं। और आइए देखते हैं इसका टेस्ट भी, हम जानते हैं कि किस प्रकार का है और इसका स्वाद लेके हम आपको बताते हैं। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार सत्तू पी रहा हूँ और आइए देखते हैं। ये एक्चुअली में नमकीन सत्तू है। मैंने इससे पहले एक बार सत्तू पिया था, वो मीठा था और ये नमकीन है। जो इसका टेस्ट है वो थोड़ा नमक मसाले वाला और थोड़ा सा फीका है। टेस्ट काफ़ी ज़्यादा फीका है, लेकिन ऑब्वियसली हम सबको पता है कि सत्तू काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है बॉडी के लिए, तो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी बेटर है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।